है ना आपको मम्मी पापा नहीं है। मैं तुझसे कह रहा फालतू में को जा रहे हो। हेलो भाई इधर आओ, इधर आओ, इधर। तो बता आपकी अलमीरा में क्या था? जब आपको मैंने कह दिया मैं कमा भी लूंगी पढ़ भी लूंगी, आपको इतना भरोसा नहीं है मुझ में? अरे मेरी बहन भरोसा है तो कैसे? घर की बात किसी और को शेयर ही नहीं करती, आप कमाओ या मरो या भाड़ में जाओ। तो हाँ जी दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों मेरा नाम प्रकाश, इसका नाम अंजलि है। लगभग 10 दिनों से लगातार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रही थी। या आप क्या कर रहे हो, मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए। मदद नहीं चाहिए मतलब पैसे की? मेरे को एक्चुअली अपनी परेशानी आपको बतानी थी कि आप मेरी ऐसी कोई मदद कर सको जिससे मुझे खुशी हो। मैं बहुत दुखी हूँ अभी। कुछ बताओगे तब ना? खाली तुम तो मैसेज करे थे भैया मिल के बात करना, मिल के बात करना। आपने मेरे 10 दिन बाद मैसेज का रिप्लाई दिया। तुमको भरोसा ही नहीं होगा यार। देखो रोज का रोज कम से कम इस पे 500 मैसेज आता है, कितने लोगों का रिप्लाई देंगे यार हम? जितने लोगों का हमसे होता है उनसे हम बात भी करते हैं, हम अपना नंबर भी उनको प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम नहीं देते हैं तो अपने टीम मेंबर किसे भी नंबर देते हैं, बात सबसे करते हैं। लेकिन सोचोगे आज ही तुम मैसेज किया, आज हम तुमसे बात कर ले, तो संभव नहीं है यार। मैं बहुत परेशानी में हूँ सच में। क्या हुआ है? एक्चुअली मेरे पेरेंट्स नहीं हैं और मेरे भाई को किडनी की प्रॉब्लम है, एक तो फेल हो ही चुकी है और मैं IAS की तैयारी कर रही हूँ। हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है इस टाइम और हम कमा लेंगे खुद ही, पर हमारे भाई को कौन संभालेगा? देखो इतना तो तुम्हारे पास हिम्मत है कि इतना होने के बावजूद तुम अपना हिम्मत जुटा के सारी बात तुम बोल रही हो, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। फिर तो मेरा इसमें क्या सपोर्ट चाहिए तुमको? आप मेरे भाई को समझाओ। क्या समझाएं हम तुम्हारे भाई? कि वो काम ना करे मेरे साथ, घर मतलब घर में बैठे रहे और काम मैं करूँगी। तो वो ऐसा तुम नहीं बोल सकती हो? वो नहीं समझ रहे हैं, तुम्हारे बात को नहीं मान रहे हो। मुझे बताना भी नहीं चाहते इस बारे में। दोस्तों समझ में तो आप लोग को आ ही रहा होगा, इनके भाई का एक किडनी है फेल, कोई वजन वाला काम भी नहीं होता होगा। कुछ काम नहीं होता, वो फिर भी मेरी पढ़ाई के लिए अपना काम करते हैं। अगर वो भी चले गए तो मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं रहेगा। देखो जिसका कोई नहीं होता ना उसके भगवान होते हैं, तो भगवान पे भरोसा रखो, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा। देखो उनके मन में कुछ ना कुछ तुम्हारे प्रति चल रहा होगा जिसके कारण वो तुमको तुम IAS की तैयारी कर रही हो। मान लो वो तो परेशान नहीं है, वो पढ़े लिखे हैं कि नहीं? नहीं वो पढ़े लिखे नहीं है। तुम्हारे लिए उतना वो आदमी मेहनत कर रहा है कि तुम एक बड़ी आदमी बनो, एक बड़े पद पे जाओ, तो उनको भी तो सपोर्ट मिलेगा ना। पर अब अगर उनकी किडनी फेल हो गई, दोनों फेल हो गई, तो मेरे पास कौन रहेगा? तो मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी। आप काम करना चाहते हो? हाँ मैं काम करना चाहती हूँ। और आप उन्हें समझाओ कि आप घर में बैठो। एक काम करो, एक दुकान आप लोग कर लो, हम कुछ पैसे का सपोर्ट कर देंगे। आप मदद नहीं करो, आपको जब होगा तब लौटा देना, एहसान नहीं करेंगे हम आपके ऊपर। हम कुछ पैसे का सपोर्ट कर देंगे, अब कोई दुकान वकान खोलो, उसमें तो उनको मेहनत नहीं ना होगा। लेकिन अगर वो चाहेंगे तो सबसे अच्छा रहेगा आपने एक बार भाई को बुलाइए, उनको मना कीजिए कि हम काम नहीं कर, आपको काम नहीं करना हम करेंगे। अगर वो नहीं मानेंगे तो हम हैं ना, हम बताएंगे उनको, ठीक है? आप समझाना प्लीज़, मैं आपके इसी भरोसे से आई थी कि आप मेरी कुछ मदद कर पाओगे। देखिए हमसे जितना होगा ऐसे तो हम कहेंगे नहीं कि हम टाटा अंबानी हैं, हम आपको ये करेंगे वो करेंगे, आपको करोड़ों का सपना दिखा, लेकिन जितना होगा हमसे उतना तो जरूर करेंगे हम। तो सबसे अच्छा रहेगा एक बार उनको आप बुलाइए यार, इस सारी चीज़ बताइए कि आपको आज से काम नहीं करना, हम करेंगे काम। अगर रही पढ़ाई की बात तो हम पढ़ाई भी कर लेंगे, हम अपना काम भी करेंगे। ये माइक है ठीक है, आप फ़ोन करो उनको बुलाओ, पहले उनके अंदर का भी तो बात हम जानना चाहेंगे ना, उनके अंदर चल गया रहे तुम्हारे प्रति। तुमको पता कहाँ से लगा कि उनको बीमारी है? मैंने उनकी रिपोर्ट देख ली थी, वो साइड में उन्होंने अपनी अलमीरा में अच्छा छुपा के रख रखी थी, और मैं गलती से उन्होंने कहा मेरे कपड़े निकाल दो मुझे काम पे जाना है, और मैं निकाली वो फाइल मेरे सामने आ गई और मैं इतनी शॉक्ड हो गई कि मेरे पास कौन बचेगा अब अगर इनको कुछ हो गया। हाथ थरथरा रहा है मेरा, डर तो हमारे अंदर भी हो गया, लेकिन देखो भगवान जो है ना हर मुश्किल परिस्थिति में वो परीक्षा लेते हैं, तो उसमें आपको पास करना है। इंसान के जीवन में दो ही चीज़ तो है, सुख और दुख।
जैसे जनवरी फरवरी आता है, कोई 30 का महीना होता है तो कोई 31 का महीना होता है, होता है ना। तो वही बात है, अगर अभी आपको दुख है ना तो भगवान आगे चल के आप दोनों को सुख जरूर देंगे। भगवान मेरे भी मम्मी पापा नहीं है, ऐसे नहीं कि मेरे मम्मी पापा है नहीं है, मेरे भाई भौजाई हैं जो कि हमको यहाँ से यहाँ तक पहुँचाए हैं। तो सबसे अच्छा रहेगा माइक अब छुपा लो, उनको बुला, उनके अंदर का एक बार हम बात जानना चाहते हैं, ठीक है? ये माइक छुपा लो। A few moments later. अरे बहन तू यहाँ क्या कर रही है? भैया बैठो, मैंने आपको एक काम के लिए बुलाया था। क्या काम है बता? मुझे आपकी सच्चाई पता लग गई। पागल है क्या? मेरी क्या सच्चाई पता चल गई तुझे? आप बस हंस रहे हो, मुझे पता आप अंदर से कितने दर्द में हो। अरे पागल है क्या? इतनी अच्छी बहन मेरे साथ होते साथ है, भगवान का करम है, देख कितना अच्छा बैठा हूँ। तो क्यों आप झूठ बोल रहे हो मेरे से? कुछ सच बताओ, आप क्या छुपा रहे हो? पागल अपनी कसम में तेरे होते साथ क्या छुपाऊंगा बता, सब कुछ तो देख, अच्छा खासा हूँ मैं, क्या सही बैठा हूँ ना, तो बता। आपकी अलमीरा में क्या था? मेरे मुझे नहीं पता क्या था, क्या था बता तू, क्या हुआ? मेरे पास कोई रिपोर्ट है आपकी। क्या रिपोर्ट है ये, क्या है? अरे पागल ये सब झूठ है, किसी ने रख दिया होगा, किसने दिखाया ये तुझे? मैंने खुद देखी अपनी आंखों से। अरे ये सब गलत है, ये सब झूठ है, कौन तू बता, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ, काम छोड़ के आया हूँ, तू यहाँ पे क्या कर रही है? सब पढ़ाई उड़ाई छोड़ के, तुझे फिक्र नहीं है पढ़ाई की? मैं तेरे लिए कितना काम कर रहा हूँ। मुझे बहुत फिक्र है, मुझे आपकी भी फिक्र है। तुझे कुछ फिक्र नहीं है, मैंने मेरा एक सपना है, देख मैं चाहता हूँ, मेरे माँ बाप तो है नहीं तुझे पता, घर का कोई नहीं है इस दुनिया में, मेरी ज़िंदगी तू ही है, मैं चाहता हूँ तुझे पढ़ा के, मेरा जो सपना है मैं बस तुझे, जो भी मेरा सपना है वो तू है, मेरा ये और भी कुछ नहीं है। भैया आप मेरी बात समझो, आप काम छोड़ दो ना, अब मैं करूँगी जो काम होगा। भैया क्या है, मेरे सपने गए भाड़ में, मुझे नहीं चाहिए मेरे कोई IAS बनूँ मैं, अगर आप साथ हो ना तो मैं सब कुछ कर सकती हूँ। अरे तो बहन मुझे अच्छा लगेगा तुझसे काम करवाता हुआ, ये बता लोग समाज वाले क्या बोला से इतना भाई काम करवाता है? मैं यार मैं पढ़ा लिखा हूँ, बिजनेस मैन हूँ, मुझे शर्म नहीं आएगी क्या तुझे काम करवाता हुए? ये भी तो सोच कम से कम। भैया आप समझो, आप चले गए तो मेरा क्या होगा? अरे मेरी बहन मुझे कुछ नहीं हुआ, देख अच्छा खासा बैठा हूँ मैं। नहीं आप समझ जाओ बस, अब आप काम नहीं करोगे, मैं करूँगी जो करूँगी। देख हल्के आवाज में बोल, तुझे पता है मुझे तेरा फालतू बोलना पसंद नहीं है। मैं आप ही मेरे लिए सब कुछ, आप समझ क्यों नहीं रहे? पता है ना आपको मम्मी पापा नहीं है। मैं तुझसे कह रहा फालतू मत बोल। भैया बैठो आप। अरे मजाक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हुआ है, रुक जा आप मेरे, बैठ इधर इधर बैठ। भैया आप प्लीज अपना इलाज करवाओ ना, मैं बच जाऊंगी। कुछ नहीं हुआ है, रो मत। मैं तुझसे कह, तेरी आंखों के आंसू मुझे पसंद नहीं है, इम्पोर्टेंट मुझे तेरे आंसू नहीं है, मुझे तेरी स्माइल है, तेरे चेहरे पे हमेशा स्माइल रखना चाहता हूँ मैं, इसलिए पढ़ाई करवाना चाह रहा हूँ। अभी क्या बताया आपको? कुछ हो गया तो मैं क्या करूँगी बहन? मुझे कुछ नहीं होगा यार, भैया प्लीज ना। मैं कैसे तुम्हें विश्वास कराऊँ? हॉस्पिटल में चलो, कौन से हॉस्पिटल में से ये डॉक्यूमेंट मिले तुम्हें ये बताओ। नहीं भैया प्लीज आप ऐसा मत करो, प्लीज अब मैं हूँ जो हूँ। बहन तू देख मेरा विश्वास, मैं सारा काम करूंगी। नहीं आप मेरी बात तो सुनो, मुझे अच्छा लगेगा तुझे काम करवाता हुए। हम एक दुकान खोल लेते हैं। क्या दुकान खोलेगी? आप आराम से बैठ के कर लेना, मुझे पता आपसे भारी वजन। क्या भारी वजन नहीं, क्या उठवाएगी बता, सब कुछ उठा लूंगा मैं। तू बहन एक बात बता, तुझे यहाँ पे लेके कौन आया ये बता, क्यों आई है यहाँ पे? तुझे शर्म नहीं आ रही यहाँ पे बैठा हुआ अकेले में मुझे बुला रही है? ये बात घर पे नहीं हो सकती थी यार, मेरी बात तो समझने की कोशिश कर, तुझे शर्म नहीं आ रही? भैया बैठो, मेरी बात सुन, मुझे कुछ नहीं हुआ है, तू समझने की कोशिश कर। आप मेरी कसम खाओ पहले कि पागल है, मैं तेरे पैर पकड़ रहा, मेरी बहन मुझे कुछ नहीं हुआ है यार, मेरी बात तो मानने की कोशिश कर, कुछ नहीं करेगी तू, कुछ नहीं करेगी, क्या ना मानने की कोशिश कर यार, तेरी कसम मैं अपनी कसम खाता हूं। आप मेरे बड़े भैया हो ना? हाँ बड़ा भाई हूँ, और कुछ बात मानोगे? हाँ बता क्या करना है। आप घर में बैठोगे, मैं सारा काम करूंगी। नहीं बैठूंगा घर में, ना घर में नहीं बैठना, पागल शर्म लगेगी, समाज वाले क्या बोलेंगे? बोलने दो, मुझे दुनिया से फर्क नहीं पड़ता, दुनिया वाले कुछ भी बोले। यार मैं तुझे कैसे समझाऊं? आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हो? कहना मान, मुझे कुछ नहीं हुआ है, जो भी करेगा भगवान अच्छा करता है, सही है? तो बस पढ़ाई पे फोकस दे, इतना याद रखना। मैं पढ़ाई भी करूंगी साथ में, मैं क्या अपना खर्चा भी उठाऊंगी, आपका खर्चा भी उठाऊंगी। अब मेरी बात सुन ध्यान खोल के, अब तुझे पता चल ही गया है
तो सुन, मेरी एक किडनी खराब, मैं पूरा मरा थोड़ी हूँ, हाथ पैरों से तो अब भी सलामत हूँ। ऐसी बातें मत करो ना मरने की, आप हमेशा मेरे साथ रहोगे। मैं इसी किडनी से, एक ही किडनी से तुझे इतना पढ़ा सकता हूँ कि अच्छा ऑफिसर बना सकता हूँ, समझ गई? मेरा एक ही सपना है, मैं तुझे अच्छा ऑफिसर बना के तेरी अच्छे से कहीं मैरिज करा के उसके बाद में मुझे सुकून शांति मिलेगा, और भगवान, मुझे भरोसा है भगवान पे, मुझे कहीं कुछ नहीं करेगा, समझ गई? अब तो ज्यादा मूड मत खराब कर, मैं होपलेस हो जाता हूँ, मेरा देख दिमाग भटक जाता है। नहीं भैया, आप, मैं कह रहा हूँ तुझसे, भैया प्लीज ना, मैं कह रहा, मेरा कहना मान ले तू, मैं जो कह रहा हूँ तुझसे, वरना खाली मुंह में तो मेरा कहना मानो, आप कब तक करोगे मेरे लिए? मैं समझती हूँ आपकी मैं बहन हूँ, तो आप मेरा भला ही चाहते हो। देख, मैं तेरा भला चाह रहा हूँ, मेरा कहना मान ले, जो मैं कह रहा हूँ बस तू इतना मान ले, और ज्यादा परेशान मत कर, मेरी तबीयत खराब हो रही है। सही है भैया, आराम से पानी लाऊं? ना पानी मत ला। अब एक काम कर, हम लोग घर चलते हैं, और मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, डॉक्टर ने मुझसे बोला था मुझे थोड़ा पैसों का इंतजाम करना है। सही है, मैं करूंगी ना, मैंने एक दोस्त है मेरा, पड़ोसी है, उससे मैंने पैसों के कहिए, वो मुझे पैसे दे देगा, और वो जे भी कह रहा कोई दिक्कत नहीं है, तू ब्याज पे दे रहा है, वो बहुत दिन से मैं उससे पैसे ले रहा था, कर्जा काफ़ी हो गया है तो अब ब्याज पे देने लगा है वो, और कोई दिक्कत नहीं है, भगवान बहुत पड़ा है। मैं अरे बात समझने की कोशिश कर, तू समझ क्यों ना रही यार? भैया आपको समझ नहीं आ रहा, क्या मैं करूंगी जो करूंगी? यहाँ पे जो भैया आप समझ क्यों नहीं रहे हो, मैं कमाऊंगी सारे पैसे, मैं कॉपी की तरह फाड़ दूंगी अपने, अगर आप मेरी बात नहीं मानोगे तो। पागल है क्या, कैसी बातें कर रही है तू? पढ़ाई मेरे को नहीं करनी पढ़ाई, जब आपको मैंने कह दिया मैं कमा भी लूंगी पढ़ भी लूंगी, आपको इतना भरोसा नहीं है मुझ में? अरे मेरी बहन, भरोसा है, तू कैसी बात कर रही, रो क्यों रही है? आप समझ ही नहीं रहे मेरी बात को। देख मैं चला आऊंगा, मेरा मूड खराब हो रहा है, रो मत तू, बता रहा हूँ तेरी आंखों में उससे आंसू ना देखे जाते हैं। बहन प्लीज, तो आप समझ क्यों नहीं रहे हो? अच्छा देख ले, जा रहा हूँ। हेलो भाई, इधर आओ, इधर आओ, इधर। हाँ जी, क्यों ऐसा कर रहे हो यार? क्या हुआ भाई? जब बोल रहे, जब पढ़ी लिखी है, तुम पढ़े लिखे भी नहीं हो, अरे कितना और झूठ बोलोगे? हुआ क्या भाई, ये तो बताओ। तुम्हारे परिवार में आपके और इसके अलावा कोई और भी नहीं है ना? तो जो भी करना है आप ही को ना करना है। आप बोल रहे हो कि हम बिजनेस मैन है, क्यों झूठ बोल रहे हो? क्या काम करते हो सब इसको पता है। क्या कब ये लुक बनाने से, फेस बनाने से, बाल को स्टाइल से रखने से कुछ होता नहीं है? सच्चाई इंसान का छुपता नहीं है, जो हो वो बताओ ना, क्या हो तुम भाई? मैंने उसे मैंने जॉब ही करते तो इसके अलावा कुछ और काम नहीं हो सकता है? वो पढ़ी लिखी है, जो बोल रही है वही करो ना आप भाई। जब इसको आप खुश देखना चाहते हो, इसको बोल रहे हो कि अपना सपना पूरा करे, तो टेंशन में रहेगी तो कहाँ से करेगी? इसको फ्री माइंड करो ना, वो फ्री रहेगी तो अच्छा से पढ़ाई कर सकती है, तो उसके अनुसार से तुम चलो, तो पढ़ी लिखी है ना। लेकिन भाई, लेकिन हर जगह तुम अपना ही चला रहे हो भाई, तुमको बीमारी भी होगा तू भी, फिर भी उसको मान नहीं रहे हो। एक दुकान कर लो ना, थोड़ा बहुत हमसे मदद ले लो, कर्ज दे रहे हैं, कर्ज जब आपके पास हो तो हमको लौटा देना भाई। अच्छा लगेगा मेरी बहन कहीं पे काम, ये तो बोल नहीं, वो भी तो नहीं बोल रही ना कि ये कमाएगी, आप दोनों कमाइएगा, इसे फ्री रहेगी, इसके जो दिमाग में जो प्रेशर है ना पैसों को लेकर, आपके बीमारी को लेकर, वो नहीं रहेगा प्रेशर, ये अच्छे से पढ़ाई करेगी, जहाँ इसका सपना वहाँ तक पहुँचेगी, क्योंकि इसको पैसे की कीमत पता है। एक बार ठंडे दिमाग से सोचो यार, किसके लिए कमा रहे हो आप? अपने बहन के लिए, आपके परिवार में कौन है और? कोई तो नहीं ना है ना, आपकी बहन और आप हो, जब एक खुश होती है तो आप खुश होते हो, तो कहाँ से पड़ेगी? तो हमेशा परेशान रहती है ना, और कितना झूठ बोलिएगा कि हम बिजनेस मैन है, तो ये है वो है, एक कपड़े लाके चमकाने से कुछ होता नहीं है भैया, इंसान का सच्चाई छुप नहीं जाता है। बात को समझो यार, बड़े भाई हो ना, इतना तो समझदारी होना चाहिए ना, जिस बहन को तुम पढ़ा रहे हो उसके बारे में कुछ सोचो, वो तुमको कभी गलत सलाह नहीं देगी। अच्छा आप बताओ क्या करूं, बताओ। हम जो कहेंगे वो मत करो। हाँ तो ये जो कर रही है ना वो करो आप, क्योंकि ये पढ़ी लिखी है, आईएएस की तैयारी कर रही है, कोई छोटी मोटी पढ़ाई नहीं कर रही है। चल, कितना अच्छा। कमा लेते हो अब, एक दुकान करो ना, अपना काम करोगे, 10 रुपए ही कमाओगे लेकिन अपना करोगे, मेहनत करेगी, अभी दोनों आदमी अपने दिमाग से मेहनत करेगी, अपने शरीर से कीजिएगा,
उसमें ज्यादा टेंशन ज्यादा बोझ हो तो नहीं ना उठाना पड़ेगा, कहे कि आपका किडनी खराब है। अच्छा आप, अच्छा बहन आप झूठ भी बोल रहे हो तो, लेकिन शरीर आपका तो झूठ नहीं बोल रहा है ना, जो दर्द है आपके अंदर वो तो आ जा रहा है ना बाहर, और कितना छुपाइएगा इसको, क्या पता नहीं है, बताओ क्या किया जाए इनके साथ। भैया आप मेरी बात मान लो, मैं कसम खाती हूँ मैं अपनी पढ़ाई कभी नहीं छोड़ूंगी, हम दोनों काम करेंगे, आप अकेले कब तक मेरा वजन उठाओगे, कब तक करोगे ऐसा? अच्छा तेरे दिल में है ये बता, सच्चे दिल से बता, तू ये कभी ये तो नहीं सोची कि बड़ा भाई हो के मुझसे काम करवा? नहीं नहीं आपने मेरा इतना कुछ, बात भाई बताओ आप, अगर इसके दिल में ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले अपने घर की बात किसी और को शेयर ही नहीं करती, आप कमाओ या मरो या भाड़ में जाओ, इसको कुछ उससे मतलब ही नहीं होता। आपके लिए इसके दिल में चिंता या फिक्र है ना, इसके लिए ना अपना घर का बात किसी और से जाकर शेयर कर रही है क्या? आप तो इसका बात मान नहीं रहे हो, अब टाल बटाल कर रहे हो कि है वो है दिस है डैट है, इसके बात को समझो भाई। सही है, सही जब इसके खुशी में आपका खुशी है तो इसको खुशी को छीनो मत, ये जो कर रही वही करो ना, आप एक दुकान कर लो, दिमाग इसका पैसा आपका लगेगा, थोड़ा बहुत हमसे मदद लीजिएगा, एहसान नहीं कर रहे हैं आपको, आपके पास जब होगा आप दे देना मेरा पैसा, ठीक है, लेकिन इसके अनुसार चलो आप। आप प्रॉमिस करो आप इन भैया की बात मानोगे? मेरी बात नहीं, अपने बहन की बात मानो, अपने आपके बहन का ही सारा बात है। ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ, जैसे तू कहेगी वैसे ही होएगा, अब मैं अपनी नहीं चलाऊंगा, अब मुझे लग रहा है तू समझदार हो चुकी है जो मुझे इतना अच्छे से समझा रही है। आईएएस की तैयारी कर रही है, कोई छोटी मोटी कुछ नहीं कर रही है, ये तो समझदार तो है, कोई भी काम करोगे ना तो उसमें अच्छा से सपोर्ट कर पाएगी, क्या कोई भी काम करने के लिए पढ़ा इंसान पढ़ा लिखा इंसान का दिमाग होना चाहिए इंसान के पास। चल मुझे प्रॉमिस कर दिया मैंने, अब ये प्रॉमिस नहीं, ये आपका फोन है इसको खुश रखो भैया, ठीक है, आप दोनों खुश रहोगे ना तो ज़्यादा आपका और ज़िंदगी चलेगा। सही है, इसकी खुशी किसी को परेशान करके पैसे कमा के क्या करोगे, ये आपको लग रहा है कि आईएएस बन जाएगी आपको इतना परेशान देख कर? नहीं बनेगी, पढ़ाई पढ़ने के लिए इंसान को सबसे पहले फ्री होना पड़ता है दिमाग से, जो कि वो है नहीं, अब अगर आप इसके बात को मानोगे तब फ्री हो जाएगी। ठीक, चलो ले जाओ अपने भाई को। चलो आप चलो, मैं आ रहा हूँ। समझ गया ना भाई, देखो भाई यहाँ पे मैंने कैमरा भी लाया था, हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे थे, वही बोली थी वहाँ पे, देखो वहाँ पे लगाया पेड़ ये कैमरा उमरा, आपकी बहन ही बोली थी, देखिए ये जो सुनो मेरी बात, आप हम डिलीट कर देंगे, हम डिलीट कर देंगे, मेरा बात समझो, ये मैसेज समाज को जाएगा, समाज के लोग देखेंगे तो वो लोग कमेंट करेंगे, आपको लग रहा है कि आप सही कर रहे हो लेकिन समाज के लोग आपके थू करेंगे कि आप गलत कर रहे हो, ऐसे कोई भाई नहीं करता है, कोई बहन ऐसा करे कि अपने भाई को मौत में डाल के खुद बड़ी आदमी बने? तो इस वीडियो को डालने दीजिए आप, और आपको बुरा लगे तो हम आगे चल के इसको डिलीट कर देंगे, बाकी अपने बहन का आप ध्यान रखिए, ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये वीडियो आप डाल रहे हो लेकिन लोग अच्छे भी हैं कुछ गलत भी हैं, आपको अपने कमेंट करेगा लोग, आप खुद उस कमेंट को पढ़िएगा, प्रकाश बाद एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल उसी वजह से डालेंगे, आप कमेंट पढ़िए उसके बाद अपना फीडबैक अपने आपको पता लग जाएगा कि आपका सोच क्या है और पब्लिक का सोच क्या है और आपकी बहन का सोच क्या है, ठीक है? तो आप खुश रहिए और अपने बहन का ध्यान रखिए, ठीक है ना भाई?